आप सबको मई दिवस की हार्दिक बधाई। जिनके श्रम और परिश्रम से दुनिया का नवनिर्माण हुआ है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है, ऐसे कामगारों और श्रमिकों के परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप सबको मई दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी प्रदेशवासी अपने कामगार भाइयों को, श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सर्वाधिक असर हमारे कामगारों, श्रमिकों और डेली कमाने वाले बंधुगणों को पड़ा है। इस दौरान गरीबों के लिए, कामगारों और श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज भी पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिकों और कामगारों के लिए, प्रतिदिन कमाने वाले जो हमारे कामगार थे, उन सब के लिए हम लोगों ने भी अपनी एक योजना यहाँ पर लागू की थी और उन सभी लोगों को भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये देने की व्यवस्था प्रारंभ की। और उसी श्रृंखला में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग इस कैटेगरी में केवल निर्माण श्रमिक, डेली कमाने वाले जो कामगार हैं और अन्य लोग हैं, इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को अब तक हम आच्छादित कर चुके हैं, जिन्हें हमने 1,000 रुपये की भरण पोषण की सहायता के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसके साथ ही मनरेगा के जो मजदूर थे, 88 लाख मनरेगा के मजदूरों का 611 करोड़ रुपए का बकाया भी सरकार ने पहले ही भुगतान की करवाया है। इन सभी को व्यवस्थित रूप से करते हुए वर्तमान में 8 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर को हम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया गया है और उन्हें कार्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान में 18 करोड़ लोगों को 2 चरणों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। आज तीसरे चरण का खाद्यान्न भी उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था भी प्रदेश ने लागू कर दी है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी श्रमिक है, अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके पास यहाँ राशन कार्ड है, तो ये राशन की सुविधा उसे दूसरे राज्य में भी उपलब्ध हो सके जहाँ पे ई पॉस मशीन से खाद्यान्न उपलब्ध होता है। हमने कोविड के उपचार के साथ साथ इसके व्यवस्थित रूप से, इसके माध्यम से लोगों को राहत समयबद्ध ढंग से प्राप्त हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 52,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बेड की स्थापना करते हुए लोगों को यहाँ पे उपचार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि आगामी 1 महीने के दौरान हम इस 1 लाख तक इस क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन ये टीम का मेहनत आप सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग एक बार फिर से लगभग 20 लाख उन सभी श्रमिकों के खाते में, जिन्हें पहले चरण का पैसा प्राप्त हो चुका है, 1,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी कामगार बंधुओं को, श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। हमने कुछ औद्योगिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में प्रारंभ की हैं, कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को उन क्षेत्रों में
और रियल इस्टेट से संबंधित जो भी काम यहाँ पर पहले से चल रहे थे उनको कुछ उन क्षेत्रों में प्रारंभ करने का प्रयास किया है जहाँ पर कोरोना की कहीं किसी प्रकार की कोई दूर दूर तक आँच नहीं है। लेकिन फिर भी अभी पूरी स्थिति को सामान्य स्थिति में बदलने में कुछ समय लग सकता है और इस दौरान धैर्य बनाए रखते हुए ये संक्रमण के चेन को रोकना, हर हाल में कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना, संक्रमण की चेन को तोड़ना ये हमारा फोकस होना चाहिए और उसी फोकस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना बनाई है। आप सबका सहयोग हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करने में और प्रदेश की 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने में हमें मदद देगी तो साथ साथ देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा में भी आप सबका योगदान और आप सबका धैर्य और अनुशासन एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है।